सबसे पहले कोई भी अपने घर में ऑयल जो है कान में भर लें जिस तरफ, तो ऑयल से जो जैविक कीड़ा है उसकी ऑक्सीजन कट जाएगी। नमन, नमस्ते, नमस्कार। मेडिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर कान में जीवित मक्खी घुस जाए तो क्या करेंगे? मच्छर घुस जाए क्या करेंगे? लकड़ी घुस जाए या फिर पत्थर घुस जाए तो क्या करेंगे? इन तमाम सॉल्यूशंस की हम आज बात करेंगे। तो आइए चलते हैं ईएनटी के एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, डॉक्टर मनीष मुंजाल के पास। दो अलग चीज़ें हैं, एक है कि लाइव इंसेक्ट यानी जिंदा चीज़ अगर आपके कान में घुस जाए, और एक है कि आपके कान में इनऑर्गेनिक चीज़ यानी लकड़ी पत्थर घुस जाए। सो लकड़ी पत्थर का तो मैं मोर लेस कहूँगा कि बहुत ना घबराएं, उसको थोड़ा समय देकर बाद में भी निकाला जा सकता है, कोई इमिजिएट फ़ौरन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय लीजिए, आप अपने ईएनटी डॉक्टर को नियरेस्ट जो है उससे फ़ोन पे बात कर लें या उनसे अपॉइंटमेंट लेके शाम तक भी आप दिखा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। अनलेस आपको कोई इस तरह से पत्थर वत्थर घुसा है कि कहीं खून वून निकल रहा है तो वो बात अलग है, खुद निकालने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे आप डैमेज कर सकते हैं। लेकिन मच्छर मक्खी नाव ये एक जैविक चीज़ है और ये जब कान के अंदर जाएगी तो एकदम तो मरेगी नहीं, ये अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे और कभी कभी वो अपने पैनिक में बाहर की तरफ आने की बजाय पर्दे में खोदना शुरू कर देते हैं और बहुत सिवियर इन्फेक्शन, पर्दे के डैमेज हमने देखे हुए हैं, सेप्सिस के भी केस देखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास शायद समय भी नहीं होता डॉक्टर के पास जाने का, सबसे पहले कोई भी अपने घर में ऑयल जो है कान में भर लें जिस तरफ, तो ऑयल से जो जैविक कीड़ा है उसकी ऑक्सीजन कट जाएगी और कुछ दिन में दम तोड़ देगा और उसके बाद वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए सेफ़ हो जाएगा कि भाई आपको वो खुद मतलब जब वो मर गया तो फिर उतना डैमेज नहीं कर सकता, तो ये इमिजिएटली होना चाहिए। पर उसके बाद उसका जो अंदर कीड़ा है, जो शरीर है, वो बाहर निकलना चाहिए, अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए क्योंकि कीड़ों में अपने अंदर केमिकल होते हैं, जब वो गलेंगे तो वो फिर बाद में भी नुकसान करते हैं, तो वो फिर लेकिन आपको समय दे देंगे जाके कि भाई अब आप शाम तक दोपहर तक करवा लें।